नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अगेन आपकी एग्जाम में आया हुआ है। फाइंड आइगन वैल्यूज इन आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 1, फिर है 2 3 2 एंड 1 1 2। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है। एक उसने मैट्रिक्स दे दिया हमें 3x3 का और बोल रहा है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकाल के बताइए। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस लेमड़ा आई का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। चलिए तो कर देते हैं 0 से इक्वेट, तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस लेमड़ा 2 1, 1 3 माइनस लेमड़ा 1 एंड 1 2 2 माइनस लेमड़ा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर करना है, हमें 0 के बराबर इक्वेट करना है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 माइनस लेमड़ा इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस लेमड़ा इंटू 2 माइनस लेमड़ा, माइनस का 2 इंटू 1 इज़ 2, माइनस का 2 इंटू ये दोनों हाइट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस लेमड़ा, माइनस का 1 इंटू 1 1। ठीक है, माइनस का प्लस का 1 इंटू ये और ये हाइट हो जाएंगे 1 इंटू 2 2, माइनस का 1 इंटू 3 माइनस लेमड़ा, दैट इज 3 माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। चलिए तो इसको सॉल्व करके लेमड़ा के टर्म्स में इक्वेशन निकाल के बताइए। तो जो लेमड़ा के टर्म्स में जो इक्वेशन आएगी वो रहेगी हमारी लेमड़ा क्यूब माइनस 7 लेमड़ा स्क्वायर प्लस का 11 लेमड़ा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो अब ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, तो इसका रूट्स निकालने का एक तरीका है। इसके रूट्स निकालने का क्या तरीका है, अगर हमें इसका एक रूट अगर हमें पता चल जाए, इस इक्वेशन का एक रूट अगर हमें पता चल जाए तो हम इसके जो बचे हुए 2 रूट हैं वो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो भी इक्वेशन हमारी बनेगी उसका एक रूट जरूर या तो 1 रहेगा या -1 रहेगा या 2 रहेगा या -2 रहेगा, इसमें से कुछ ना कुछ एक जरूर रहेगा। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को इस इक्वेशन में रखते हैं। अगर लेमड़ा इज इक्वल टू 1 में ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है क्या, चलिए तो 1 रख देते हैं। तो 1 -7 + 11 - 5 कितना हो जाएगा, 1 - 7 - 6, -6 + 11 + 5 एंड +5 - 5 = 0, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि एक रूट तो मेरा क्या है, लेमड़ा का एक रूट 1 के बराबर है। अगर मान लीजिए 1 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करता तो हम फिर -1 रखते, अगर -1 भी सेटिस्फाई नहीं करता तो हम 2 रखते, 2 भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो -2 रखते। तो इस तरीके से एक कोई ना कोई सा हमारा रूट 1 या 2 में से एक जरूर इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक इक्वेशन एक रूट हमने डायरेक्टली निकाल लिया कि एक रूट हमारा क्या है, 1 है। चलिए अब अदर 2 रूट निकालने के लिए इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि एक हमारा लेमड़ा माइनस 1 सभी में से कॉमन आ जाए। तो हम इसको लिख देते हैं लेमड़ा क्यूब माइनस का 1 हमें कॉमन लेना है तो लेमड़ा स्क्वायर, बचा हुआ कितना है माइनस का 6 लेमड़ा स्क्वायर, वापस यहाँ से 1 हमें कॉमन लेना है तो प्लस का लेमड़ा हम लिख देते हैं, सॉरी प्लस का 6 लेमड़ा, तभी हमारे पास में है उससे -1 बचेगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास में कितना 5 लेमड़ा एंड आखिरी में कितना बचा -5 = 0। तो यहाँ से हमारा एक रूट 1 हमारा कॉमन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, लेमड़ा स्क्वायर इंटू लेमड़ा माइनस 1, यहाँ से माइनस का 6 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सॉरी माइनस का 6 लेमड़ा अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लेमड़ा माइनस 1, और यहाँ से प्लस का 5 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लेमड़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए तो लेमड़ा माइनस 1 हम पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बचेगी,
लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 6 लेमड़ा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा लेमड़ा माइनस 1 भी 0 के बराबर रहेगा और ये भी 0 के बराबर रहेगा। तो जब लेमड़ा माइनस 1 0 के बराबर रहेगा तो तब हमारी लेमड़ा की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक तो हमारी आ गई 1 के बराबर लेमड़ा इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड क्या है लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 6 लेमड़ा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई, एडिशन करने पे माइनस 6 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पे प्लस 5, तो माइनस 5 एंड प्लस माइनस का 1, तो लेमड़ा स्क्वायर माइनस का 5 लेमड़ा माइनस का लेमड़ा प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेमड़ा मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा मेरे पास में, लेमड़ा माइनस 5 बचेगा यहाँ से अगर लेमड़ा कॉमन लिया, और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचेगा लेमड़ा माइनस 5, तो दोनों में से क्या बच जाएगा लेमड़ा माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, लेमड़ा इज इक्वल टू 1 एंड 5। ठीक है, तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई, आइगन वैल्यूज़ हो गई 1 एंड 5। 1 यहाँ से आया था, इस वाली इक्वेशन से 1 आया था, यहाँ से भी 1 एंड 5, तो हमारी जो आइगन वैल्यूज़ हो गई वो क्या हो गई 1 एंड 5 हो गई। चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आइगन वेक्टर निकालना है। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए क्या है, सिंपल है, क्या करना है, ए माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 से इसको इक्वेट करना है। तो चलिए कर देते हैं, हम सबसे पहले हम लेमड़ा की वैल्यू 1 रख देते हैं, हमारी जो इक्वेशन है ए माइनस लेमड़ा आई। ठीक है, चलिए ये इक्वेशन भी लिख लेते हैं एक बार फिर से, तो 2 माइनस लेमड़ा 2 1 1 3 माइनस लेमड़ा 1 1 2 2 माइनस लेमड़ा। ठीक है, ये हमने लिख दिया ए माइनस लेमड़ा आई इंटू एक्स को हमने मान लिया एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड ही क्या है हमारा आइगन वेक्टर है, इज इक्वल टू 0। चलिए तो सबसे पहले हम लेमड़ा इज इक्वल टू 1 के लिए हम निकाल लेते हैं हमारा आइगन वेक्टर। तो जब लेमड़ा की वैल्यू 1 के बराबर रहेगी तो तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तब ये इक्वेशन हो जाएगी 2 माइनस 1 इज द 1, उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में 1 1 3 माइनस 1 इज द 2 1 फिर 1 2 एंड 2 माइनस 1 इज द 1। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे तो अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि तीनों इक्वेशंस क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। इस तरफ मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, दूसरे में दूसरी रो को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, एंड तीसरी रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन एक ही है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन। अब हम यहाँ पे मान लीजिए हम z को अगर हम अज्यूम कर लेते हैं k1 है ना, और y को हम अज्यूम कर लेते हैं अनादर कॉन्स्टेंट के टू। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज रख देते हैं, तो x प्लस टू टाइम्स ऑफ k1 प्लस का सॉरी k2 प्लस का y को हमने k2 माना है, z को हमने k1 माना है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास में माइनस का k1 प्लस टू टाइम्स ऑफ k2।
ठीक है, ये आ गई मेरे पास में x की वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया, हमारा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द लेमडा इज इक्वल टू वन, वन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का के वन प्लस का टू के टू, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू के टू के बराबर है, एंड z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू के वन के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू वन। जब हमारी आइगन वैल्यू की वैल्यू, आइगन वैल्यू कितनी रहेगी, फाइव रहेगी, सॉरी वन रहेगी, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आइगन वेक्टर ये आएगा, जहाँ पे कि के वन और के टू क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के वन और के टू के लिए हमारे पास में एन नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स आएंगे। चलिए अब हम लेमडा इज इक्वल टू फाइव के लिए निकाल लेते हैं, दूसरा रूट क्या है हमारा, लेमडा इज इक्वल टू फाइव, तो लेमडा इज इक्वल टू फाइव के लिए हम आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। चलिए तो इस इक्वेशन में हम लेमडा इज इक्वल टू क्या रख देंगे, फाइव रख देंगे, लेमडा इज इक्वल टू क्या रख देते हैं हम, फाइव रख देते हैं, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएंगी, टू माइनस का फाइव माइनस का थ्री, ठीक है, थ्री माइनस का फाइव माइनस का टू, एंड टू माइनस का फाइव माइनस का थ्री, ठीक है। चलिए तो ये आ गया हमारे पास में नई इक्वेशन। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के पहले हमें कुछ इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेंगे, क्यों लगाना पड़ेंगे, अगर मान लीजिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में एक्स वाई जेड की तीन अलग अलग इक्वेशन आ जाती है, जिनकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर रहेगी, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा, उन इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को मैं अगर ज़ीरो बना देता हूँ, तो मुझे एक्स वाई या जेड में से दो कोई सी भी मुझे वैल्यूज़ अगर डायरेक्टली मिल गई तो मैं जेड की वैल्यू एक इक्वेशन में रख के मैं निकाल लूँगा। इसलिए इसको सॉल्व करने के पहले हम इस वाले मैट्रिक्स में हम कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के कुछ वैल्यूज को हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला वन है तो इसको रहने देते हैं, इसको इनको जीरो बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो इसको हम ऊपर ले जाएं और इक्लोन फॉर्म में, मतलब करना हमें वही है कि इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो या तो इसको हम ऊपर ले जाके कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर वन में हम लगा लेते हैं, रो वन में हम क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, रो वन प्लस का थ्री टाइम्स ऑफ रो थ्री, तो ये वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। इसको भी ज़ीरो बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, आर टू माइनस का आर वन कर लेते हैं, आर टू को हम क्या कर लेते हैं, आर टू माइनस का आर थ्री, ठीक है, आर टू माइनस आर थ्री, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। चलिए तो ये लगा देते हैं, तो माइनस थ्री प्लस का थ्री ज़ीरो, आर वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ आर टू, तो दो एंड तीन दो छः सिक्स प्लस टू एट, ठीक है, वन एंड माइनस का नाइन कितना हो जाएगा, प्लस का वन एंड माइनस का नाइन माइनस का एट। चलिए सेकेंड में क्या करना है, आर टू माइनस आर थ्री, तो वन माइनस वन ज़ीरो, माइनस टू इज द माइनस का फोर, एंड वन वन प्लस का थ्री इज द फोर इज इक्वल टू, सॉरी नीचे वाली आर थ्री क्या रहेगी हमारी, वन टू एज इट इज रहेगी, वन टू एंड माइनस थ्री, एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। चलिए अब और हम इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, तो ये और हमारे पास में ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है। तो R1 में हम क्या लगा ले रहे हैं, R1 में हम लगा ले रहे हैं R1, इसको हम ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं,
तो इसमें हम लगा ले रहे हैं आर वन प्लस का टू टाइम्स ऑफ आर टू, चलिए लगा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम ठीक है इसको लगा ले रहे हैं, ये तो ज़ीरो ही बन जाएगा। एंड आर टू को भी हम क्या कर ले रहे हैं, आर टू को हम आर टू डिवाइडेड बाय फोर कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, आर वन प्लस टू टाइम्स ऑफ आर टू, तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है, ज़ीरो। एट माइनस का एट ज़ीरो, माइनस का एट प्लस का एट ज़ीरो, इसको हम फोर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो माइनस का वन वन, एंड ये तो इज इट इज़ आ जाएगा वन टू माइनस का थ्री इंटू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब हमें हमारे मैट्रिक्स में कुछ ज़ीरो ज़ीरो दिखने लगे हैं, तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इस वाले मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते तो हमें एक्स वाई जेड सॉल्व करने में नानी याद आ जाती है ना, आसानी से सॉल्व नहीं होता। इसलिए हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कुछ कुछ वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो ज़ीरो बना दी ताकि हमारा सॉल्व हो जाए। चलिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो ज़ीरो, माइनस वाई प्लस का z, माइनस वाई प्लस का z। चलिए थर्ड इसको हम मल्टीप्लाई कर देते तो x प्लस का टू वाई प्लस का टू वाई इंटू माइनस का थ्री जेड, इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ गया। चलिए तो ये तो ज़ीरो ही है, दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास में, माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड तीसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस टू वाई माइनस का थ्री जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। चलिए यहाँ पे हम जेड को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो जेड को हमने सी वन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। के हमने वहाँ पे अज्यूम कर लिया था एक लेमड़ा इज इक्वल टू वन में, लेमड़ा इज इक्वल टू फाइव में हमने सी अज्यूम कर लिया एक कॉन्स्टेंट। चलिए जेड अगर सी वन है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू जेड, तो y की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, c1 के बराबर आ जाएगी। चलिए ए y और z की वैल्यू यहाँ पे रख के x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो x प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, c1 की जगह k ही रख देते हैं, एक ही कॉन्स्टेंट हमें रखना है, तो एक k रख देते हैं या c रख देते हैं, एक ही रख देते हैं, k वहाँ पे k1 k2 हमने रखा था, यहाँ पे केवल k हम रख देते हैं, तो x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y कितना है, k माइनस का 3 टाइम्स ऑफ के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, k के बराबर आ गई। तो हमारा जो आइगन वेक्टर क्या है, लेमड़ा इज इक्वल टू फाइव के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर है वो आ जाएगा क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, k के बराबर, y की वैल्यू k के बराबर, एंड z की वैल्यू k के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमड़ा इज इक्वल टू फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन आपकी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। सो वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू टू माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस वन एंड वन माइनस वन टू एंड फाइंड इट्स इनवर्स, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करके बताइए और इसका इनवर्स निकाल के बताइए। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी निकाल लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, ए माइनस लेमड़ा ई का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम ज़ीरो के बराबर कर देते हैं। चलिए इसको कर देते हैं, टू माइनस लेमड़ा माइनस का वन वन माइनस का वन टू माइनस लेमड़ा माइनस का वन वन इंटू माइनस वन इंटू टू, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर, टू माइनस लेमड़ा, इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर, ज़ीरो के बराबर इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के बताइए क्या आ रही है, लेमड़ा क्यूब माइनस सिक्स लेमड़ा स्क्वायर, लेमड़ा क्यूब माइनस सिक्स लेमड़ा स्क्वायर प्लस का नाइन लेमड़ा माइनस का फोर
इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आ गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये मैट्रिक्स ए इटसेल्फ सेटिस्फाई करता है। चलिए तो इसमें हम ए मैट्रिक्स रख देते हैं, तो ए अगर रख देंगे इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस का 6 ए स्क्वायर प्लस का 9 ए माइनस का 4 इज इक्वल टू जीरो। बस यही हमें प्रूव करके बताना है कि इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यूज चाहिए। तो हम ए की मदद से ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। चलिए तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है दो बार, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन किस में करना है, इसी में करना है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। चलिए हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, कैसे होता है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में होके फर्स्ट प्लेस पे लिखाता है, तो कर देते हैं हम मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में क्या लिखाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 माइनस 1 प्लस का 1 एंड 1 1 प्लस का 1, ये हो गया फर्स्ट प्लेस, ठीक है। चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा और यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 2 एन माइनस का 1। चलिए थर्ड अब क्या पे क्या आएगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और यहाँ पे लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 1 इंटू 2 प्लस का 2, ठीक है। चलिए अब सेकेंड रो लिखने के लिए सेकेंड रो का इसमें मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे लिखाएगा माइनस 2, ठीक है, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1। चलिए इसका हम सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1, ठीक है। इसी तरीके से इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस का 2। चलिए अब हम थर्ड रो को हम क्या फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में अगेन मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में लिखेंगे, तो 1 इंटू 2 इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2 प्लस का 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस का 1, 2 इंटू 1 प्लस का 2। चलिए इसका सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 इंटू प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2। चलिए इसी तरीके से इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस का 1 प्लस 2 इंटू प्लस 2 प्लस का 4। ये हमें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आ रहा है ए स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं हम, 4 5 6 4 and 5 माइनस का ये भी माइनस का 5 है, 4 प्लस का 5 माइनस का 5 एंड प्लस का 6, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन में हमें ए स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए, हमें ए क्यूब भी चाहिए। तो इस ए स्क्वायर में एक बार इस ए का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर सबसे पहले हम लिख देते हैं, 6 माइनस 5 प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 5 5 माइनस 5 एंड 6,
ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम किससे कर देते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज द ए, तो ए को हम लिख देते हैं 2 - 1 +1 -1 +2 -1 एंड +1 -1 एंड 2, ठीक है। चलिए तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ रहा है, इन दोनों को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अगेन ऐसे ही जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई करा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए क्यूब की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी आ रही है। ए क्यूब आ रहा है हमारे पास में 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21, 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21 एंड 22, ठीक है। ये आ गई हमारे पास में ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास में ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, ए क्यूब की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को हम किस में रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। इस वाली इक्वेशन में रखने के बाद अगर वो जीरो के बराबर आती है तो हम बोल देंगे कि हमारी जो है वो केले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो गई है। तो चलिए इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो ए की ज़रूरत हमें पड़ेगी, इस इक्वेशन की ज़रूरत भी पड़ेगी, ये ए स्क्वायर है एंड नीचे ए क्यूब है, दिस इज द ए स्क्वायर एंड दिस इज द ए क्यूब। चलिए इस इक्वेशन में हम रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या क्या है हमारे पास में ए क्यूब, तो ए क्यूब आ जाएगा हमारा 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21 प्लस का 22 माइनस का 21, 21 माइनस का 21 एंड 22, ये तो हो गया हमारा ए क्यूब। उसके बाद में क्या है, प्लस का 6 ए स्क्वायर, तो प्लस का 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 6 माइनस 5, अगेन ये वाला क्वेश्चन तभी करना एग्ज़ाम में अगर कोई सा आसान सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, अदरवाइज़ हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा समय लग जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। अगर आसान सा आ जाए, अगर 2x2 का मैट्रिक्स आ जाए तो कर देना, ये 3x3 का अगर आए तो मेरे हिसाब से स्किप कर देना क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। माइनस 5 6 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5 एंड 6, ये हो गया 6 टाइम्स ऑफ ए, प्लस का 9 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस का है, माइनस का 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस का 9 टाइम्स ऑफ ए, 9 टाइम्स ऑफ ए, ए क्या है हमारा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है एंड माइनस का 4, माइनस का 4। चलिए तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल के बताइए, तो ये जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसमें 6 को सबसे पहले सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड माइनस का 4 इंटू आई, 4 इंटू आई हो जाएगा, आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद में आप अगर निकालेंगे तो इसको वैल्यूज आएंगी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू, हम क्या लिख देंगे आर एच एस, है ना, तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में आर एच एस। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो फर्स्ट पार्ट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम, तो ये हमारी केले हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गई। एक चीज़ और उसने हमें क्वेश्चन में पूछी है, फाइंड इट्स इनवर्स, ए का इनवर्स भी हमें निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, इस पूरे टर्म में हम क्या करेंगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए क्यूब इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा,
ए स्क्वायर, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स ए स्क्वायर, माइनस का सिक्स ए स्क्वायर इंटू एन इनवर्स माइनस का सिक्स ए, प्लस का नाइन एंड माइनस का फोर ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो। हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है, तो फोर ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, फोर ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का सिक्स ए प्लस का नाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हमारे पास में ऑलरेडी है, ए हमारे पास में ऑलरेडी है एंड नाइन टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, नाइन टाइम्स ऑफ आई, ठीक है। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम इसको अगेन इस तरीके से इस इक्वेशन में रख के ए स्क्वायर और ए की वैल्यू, हम ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है वेरीफाई के लिए हैमिल्टन थ्योरम, तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर देख लेना मैट्रिक्स आसान सा होना चाहिए, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे हमारी ये फिफ्थ यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने छोड़ दी थी वेक्टर स्पेसेस, इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उसमें हमारा मैट्रिसेस का यूज़ था और मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए हमने पहले फिफ्थ यूनिट करी। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट क्लास से फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे।